आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के गुलगुले। आप किसी भी मौसम में गुलगुले बनाकर खा सकते हैं। आप इन्हें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होता है। हेलो फ्रेंड्स, गायत्री मधु रसोई में आपका स्वागत है। आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं जालीदार फूले फूले और टेस्टी गुड़ के गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम गेहूं का आटा। मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया है। साथ ही हमने लिया है 250 ग्राम दूध, 200 ग्राम गुड़ और 2 पिंच बेकिंग सोडा। गुड़ को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ में हम 1/3 कप पानी डालकर गर्म करेंगे जिससे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और हम इसे स्टेनर से छान लेंगे जिससे गुड़ की गंदगी निकल जाए। गुड़ का पानी तैयार है। यहाँ पर हम आटा में बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सोडा पूरे आटे में मिल जाए। अब हम आटे का बैटर तैयार करेंगे। हम गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा आटे में मिलाएंगे। ध्यान रहे, आटे का बैटर बनाने में बहुत जल्दी लम्स आ जाते हैं, इसलिए गुड़ का पानी डालकर अच्छे से मिलाते रहें। गुड़ का पानी ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, ये गुनगुना होना चाहिए। अब हम दूध डालकर मिक्स करेंगे। पानी या दूध थोड़ा थोड़ा ही डालें। मैंने अपने हाथों की सहायता से बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बैटर तैयार हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसा रखें, बैटर ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने गुड़ का पानी और दूध पूरा यूज़ किया है। अब हम एक पैन में तेल डालकर गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे। बैटर को चम्मच से डालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे हाथों से ही तेल में इस तरह से डालेंगे। बैटर करा होने पर गुलगुले सख्त हो जाते हैं और बैटर ज़्यादा पतला होने पर इनमें तेल चला जाता है। देखिए, गुलगुले ऊपर आने लगे हैं। अब हम इन्हें छलनी से चलाते रहेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाए, कहीं से जले ना। ये देखिए, गुलगुले लाल हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से बैटर को तेल में डालेंगे और जैसे ही ये ऊपर आने लगे, इन्हें छलनी से चलाते रहें। अगर आपका बैटर पतला हो गया है तो इनमें ज़रूरत के अनुसार आटा मिला लें, और अगर बैटर गाढ़ा हो गया हो तो इनमें ज़रूरत के अनुसार पानी मिला लें। बचे हुए बैटर को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, गुलगुले तैयार हैं। देखिए कितने फूले फूले और जालीदार बने हैं, कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।